देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या नवंबर 2021 के अंत तक मामूली रूप से बढ़कर 119.1 करोड़ पर पहुंच गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इस दौरान रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के कनेक्शनों की संख्या बढ़ी है। जियो ने फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड की संख्या के मामले में BSNL को पीछे छोड़ दिया है। इस खंड में जियो के कनेक्शनों की संख्या 43.4 लाख हो गई है। अभी तक इस क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का दबदबा था। देश में कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या नवंबर अंत तक बढ़कर 116.75 करोड़ हो गई है। ट्राई की मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस माह के दौरान मोबाइल और फिक्स्ड लाइन कनेक्शन दोनों की संख्या में वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2021 के अंत तक कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 116.63 करोड़ थी। मोबाइल खंड की बात की जाए तो रिलायंस जियो के कनेक्शनों की संख्या 20,19,362 बढ़कर 42.8 करोड़ पर पहुंच गई। इसी दौरान भारतीय एयरटेल के कनेक्शनों की संख्या 13,18,251 रही। वोडाफोन आइडिया के मोबाइल कनेक्शनों की संख्या में गिरावट आई है। वोडाफोन आइडिया ने 18,97,050 ग्राहकों को खो दिया है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 26.71 करोड़ पर आ गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL ने इस महीने के दौरान 2,40,062 कनेक्शन गवाए। वहीं MTNL के ग्राहकों की संख्या 4,318 घट गई। मार्केट शेयर की बात की जाए तो नवंबर तक रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 36.71%, भारतीय एयरटेल का मार्केट शेयर 30.43%, वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर 22.88%, BSNL का मार्केट शेयर 9.70% और MTNL का मार्केट शेयर 0.28% पर रही है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।